एग्जाम्पल नंबर 37, हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर 4 डिवाइड में क्या हमारे पास x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक काम करते हैं, पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो मुझे दिख रहा है ना आपको भी दिखने लग जाए। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, फिर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स आता है, और फिर बचा क्या हमारे पास माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस का 1 आएगा डी एक्स। क्या डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर से x की पावर कम नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है कि नहीं। जब भी ऐसा केस होता है कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ज़्यादा पावर होती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना होता है। यस और नो, एक्सरसाइज 7.5 में हमने कई बार किया है काम, तो कर लें यहाँ पे भी, तो डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम, हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 को किससे, इससे करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, तो एक पावर देने के लिए यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का एक्स। साइन चेंज, नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का एक्स, नहीं यहाँ पे माइनस का एक्स मिलेगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स और माइनस 1 मिल जाएगा, है कि नहीं। 1 इंटू में ये करोगे तो ये मिल जाएगा, फिर साइन चेंज कर दो, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये प्लस का है नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा हमारे पास प्लस का 1। ओके, सबको करना आता है, ये आसान सी चीज़ होती है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, हमें क्या पता है डिविडेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं। चेक करना चाहो तो एग्जाम्पल दे रखा है मैंने नीचे, क्लास 7-6 का है तो, ठीक। तो इसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स की पावर 4 जो है हमारा वो किसके इक्वल आएगा बताओ, डिवाइजर इंटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये बात लिख दो आप, एक्स प्लस 1 ये वाला इंटू में ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो प्लस 1 भी है तो प्लस 1 कर दो, इसकी वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें ये निकालना है, डिवाइड में ये भी तो है, तो ये डिवाइड में है, मतलब यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो इसको डिवाइड कर दो इससे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 सेम कैंसिल, तो हमें ये इसकी वैल्यू क्या मिली, ये प्लस ये, ठीक है, लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। तो दिस इम्प्लाइज, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं कि इसे मान लो आई मान लो, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा फिर हमें। तो हमारा आई क्या आया, आई हमारा आया एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, सेपरेट कर लेते हैं ताकि बार बार ना करना पड़ेगा प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, वन अपॉन में एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये किसको मल्टीप्लाई करने पे मिला था हमें, इसे मल्टीप्लाई करने पे मिला था, है ना, तो ये लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि इसी का हमें यूज़ करना है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को डाउट तो नहीं है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, ये जो है ये ही तो है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, हमने इसे मल्टीप्लाई करके ये निकाला था, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसके फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बताओ हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ चुका है हमारा, इसे तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक काम करते हैं इसे कुछ मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं और ये हमारा I2 है, ठीक है, अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे इनको ताकि ईजिली कर सके। तो यहाँ से मेरी I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स को इंटीग्रेट करो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 को करो तो हमें मिलेगा एक्स, ठीक है, प्लस सी कर देना या अभी बाद में कर लेंगे एक एंड में सी। I2 क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसे कैसे सॉल्व करें बताओ, क्या आपको याद है
ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते थे एक्सरसाइज 7.5 में, है कि नहीं? कौन सा फॉर्म है इसमें से, ये वाला है। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर 2 है, एक में एक्स की पावर 1 है, तो हमें ये पुट करना पड़ेगा, है ना। ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नीचे। तो क्या करूँगा मैं, लेट कर लूँगा जैसे हम वहाँ पर करते आए हैं, लेट 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल रही है ऐसे हम लोग जल्दी से, तो 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में ये जो कि है हमारा एक्स माइनस 1, और डिवाइड में क्या आएगा हमारा एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम कैंसिल, ओके। तो हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए मिलेगा यहाँ से, फिर इसे मल्टीप्लाई करो प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर बी एक्स इंटू माइनस 1 माइनस का बी एक्स सी इंटू एक्स प्लस का सी एक्स और सी इंटू माइनस 1 मतलब माइनस का सी, ओके। इसके बाद की बात करते हैं, अब जगह कम पड़ रही है, थोड़ी सा पेज ले लूँ मैं थोड़ा सा, ये ठीक रहेगा, ओके। यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ से मुझे बताओ इसे देख के इक्वेट करके यहाँ से मेरा 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा मेरा a आएगा और यहाँ से मुझे b मिल जाएगा, तो a प्लस b, ठीक है। फिर अगर मैं x कॉमन निकालूँ, x कहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो प्लस x करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा माइनस b मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का c है तो प्लस का c मिल जाएगा, ठीक। फिर बचा क्या हमारे पास, a और c, ये हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो प्लस a और यहाँ पे क्या है माइनस का सी है, तो माइनस का सी लिख दिया, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वेट कर लो आप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है, तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर कुछ है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर का साइड में, जीरो आएगा, है ना, ओके। फिर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब इसे सॉल्व करो, तो माइनस बी प्लस सी इधर कुछ भी नहीं है एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी जीरो हो गया सेकंड। फिर थर्ड देखते हैं, ए माइनस सी इज इक्वल टू, इधर है कांस्टेंट, हाँ है, वन है, तो वन लिख दिया हमने, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है, सॉल्व करो इसे। तो एक काम करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व करने में अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप, चाहते हैं यहाँ से वैल्यू निकाल लो ए की, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, जो अच्छा लगे कर सकते हो आप। मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे बी से भी मेरा कट जाएगा, तो क्या है मेरे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है और माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कट गया, तो मुझे क्या मिला ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है और ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो वन है, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सी माइनस सी ऐड करने पर जीरो हो गया, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा ऐड करने पर, और 0 प्लस 1 ऐड करने पे 1 हो जाएगा, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिली 1/2 मिली, a 1/2 है, तो b क्या मिलेगी, a प्लस बी इजल टू 0 है, तो b इजल टू माइनस ए मिलेगा, तो मुझे a की b की वैल्यू क्या मिलेगी, b इजल टू मुझे मिलेगा माइनस 1 अपॉन में 2। अब c भी निकाल लो, यहाँ से देखो आप c इजल टू b आएगा, तो c इजल टू b है जब यहाँ से, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस 1/2, ओके। तो फ्रॉम लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ए इजिकल टू 1/2, बी इजिकल टू माइनस 1/2 एंड सी इजिकल टू माइनस 1/2, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अब इसके बाद क्या करते हैं हम,
इसके बाद हम ये वैल्यू जो निकाली हमने निकाली इसे पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास इसके बाद एक काम इसमें करता हूँ, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ये जो कि हमारे पास अपॉन में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स क्या आएगा, ए की वैल्यू हमारी 1/2 आई थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स सेपरेट भी कर लिया और इंटीग्रेट भी कर रहे हैं साथ साथ, प्लस इंटीग्रेशन बी की वैल्यू हमारी -1/2 आई थी, -1/2 लिखा हमने यहाँ पे एक्स, प्लस सी की वैल्यू 1/2 माइनस का 1/2 था, तो माइनस का 1/2 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, बस वैल्यूज पुट किए, कुछ नहीं किया हमने, इसे इंटीग्रेट कर लो। तो इसे इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा हमारे पास, अगर इसको टी मानोगे तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, तो लॉग मोड एक्स माइनस वन आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई में है तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तो प्लस सेपरेट कर लो इसे, इंटीग्रेशन -1/2x डिवाइड में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और यहाँ पे क्या है -1/2, तो -1/2 लिखा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा आपको, 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस वन, -1/2 है तो -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको टी मानोगे है ना, तो आपको क्या मिलेगा 2x टी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या नीचे क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, तो 1/2 टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर लेना आप, ठीक है, टी मान के करना पड़ेगा, बस कर लेना आसान है, तो आपको यहाँ पे 1/t का लॉग टी होता है और 1/2 भी बच जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 यहाँ पे आएगा और लॉग टी, टी हमने इसको माना होगा पक्का, एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, -1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स बाय ए के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स बाय ए हमारा 1 है, तो यही रहने दो बस, तो हमारा ये आ चुका है हमारा I2 की वैल्यू। ओके, I1 हम निकाल चुके हैं, ये रहा, तो हमारा I क्या था, I है हमारे पास I1 प्लस I2, ठीक है, यहाँ पे C2 कर दो, यहाँ पे I1 में C1 कर दो प्लस C1, अब इन दोनों को ऐड कर दो बस आप, ठीक है, I1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, I2 की वैल्यू जो निकाली ये पुट करो, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके?